सियोन टीवी चैनल देख रहे तमाम दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक और अद्भुत गवाही के साथ आपके सामने हैं, और परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं उसके अद्भुत कामों के लिए जो अद्भुत तरीके से वो लोगों के जीवन में करता है। और परमेश्वर पिता का इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि ये भाई इस चर्च में सियोन प्रेयर टावर में लगभग 2 सालों से हैं, और किस प्रकार से परमेश्वर इनके जीवन में एक बड़ा काम किया, किस प्रकार से लुधियाना के बड़े बड़े डॉक्टर्स के द्वारा भी अगर इनकी पत्नी को आँखों की एक समस्या, आँखों से बिल्कुल ना दिखाई देना, और किस प्रकार से परमेश्वर ने अनुग्रह किया। भाई बताते हैं कि ये बिहार के गया क्षेत्र से भी इन्होंने अपना इलाज कराया, उत्तर प्रदेश के भी डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन सफलता नहीं मिली, और वो अभी भी असमर्थ थी कि इनकी पत्नी की वो देख पाएँ। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं किस प्रकार से प्रभु ने इनके जीवन में काम किया और इनकी पत्नी की आँखों की रोशनी वापस आई है। आइए जानकर चलते हैं। सर जय मसीह। जय मसीह सर। क्या नाम है और कहाँ से आते हैं? मेरा नाम रोहित है, मैं छोटी टेंडारी से आते हैं, और मेरा गवाही इस तरह से है कि मैं पहले प्रभु को नहीं जानते थे, तो मेरी घरवाली को रोशनी चला गया था आँख से, तो हमने डॉक्टर से लुधियाने के डॉक्टर से भी दिखाए, तो डॉक्टर ने हमें मतलब अच्छा नहीं कर पाए, तो यहाँ के लुधियाने के डॉक्टर ने हमें रेफ़र कर दिए थे चंडीगढ़ लेके गए PGI हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी लेके गए तो वहाँ के भी डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर ने अच्छे नहीं कर पाए, वहाँ भी डॉक्टर से अच्छा नहीं हो तो फिर हम गाँव लेके चले गए, और गाँव से भी दिखाए जा करके अपने डॉक्टर से दिखाए वहाँ पर भी, तो वहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि इसकी आँख में कोरोना हो गया है, यहाँ इसका इलाज नहीं हुआ, बनारस लेके चले जाओ। मैं बनारस भी लेके गया, वहाँ भी दिखाया तो वहाँ भी डॉक्टर ने हमें जैसे ही मरीज को लेके गए डॉक्टर उसी हमें वापस कर दिया, बोलते हैं हमें बस की बात नहीं है, हम नहीं इसका इलाज कर सकते हैं। तो फिर हमने बहुत रोए, हम बोले कि अब हम इतना दिखा रहे हैं, हर एक जगह दिखा रहे हैं, कहीं से ठीक नहीं हुआ, मैं क्या करूँ अब। तो हमारे साथ में एक सिस्टर काम करते थे सुशीला दीदी, तो उनने हमें बताया कि रोहित आप ऐसा कीजिए कि आप प्रभु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु जो हर जगह से थक जाता है वो प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु उन्हें आशीष देते हैं, और अगर आप जाएंगे प्रभु के भवन में जाएंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह को, तो आपकी घरवाली ठीक हो सकती है। तो हमने उस समय में हम भी उनको बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उस जगह जाने के बाद पता नहीं पूजा पाठ छोड़ने पड़ता है, धर्म छोड़ने पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा। हमें बहुत समझाएं, बोलते हैं कुछ भी नहीं, आप लेके जाइए अपनी घरवाली को, आपकी घरवाली को रोशनी अच्छी हो जाएगी। तो हमने फिर प्रभु यीशु मसीह पर बहुत विश्वास करके आए इस भवन में सियोन प्रेयर टावर में, तो यहाँ पे आए शुरू बार आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो फिर यहाँ से जब कलेसिया ख़त्म होने के बाद जब हम घर पे गए, यहाँ से लेकर के गए घर पे, तो घर वाले बोलिए कि देखिए ना हम वहाँ पे गए चर्च में गए तो हमारा रोशनी आ गया है, यहाँ हम देख रहे हैं। हम बोले प्रभु के लाख लाख धन्यवाद है कि प्रभु हमें आशीष दिए हैं, बहुत जीवन में काम किए प्रभु, क्योंकि डॉक्टर ने जो नहीं कर पाए वो हमारे प्रभु ने किए। सर किसी तरह का ट्रीटमेंट लिया क्या आपने यहाँ पर आकर के? जी नहीं, यहाँ कुछ नहीं, बस सिर्फ प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु के आशीष मिला। प्रार्थना कराने से प्रेयर टावर में आपकी मैसेज की रोशनी वापस आ गई? जी, मैं यहाँ प्रार्थना करवाया, उनकी नाम से दुआ हुआ, प्रभु उनकी दुआएं सुने और रोशनी उनकी आंखों को लौटा दी। जब विश्वास नहीं करते थे तो कभी ऐसा लगा कि इस प्रकार से भी हो सकता है, मेरे इतने पैसे लग रहे हैं, इतना समय बर्बाद हो रहा है, और परमेश्वर ने उन सबको बचाया? जी, तो मैं उस समय बहुत जैसे पैसा भी बहुत हमारे लगा, हम तो क्योंकि हमारी घरवाली नहीं बच पाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसे घर का भी लोग बोलते थे कि हम नहीं बचेगी है, क्योंकि उस समय में बिल्कुल इसका आँख का रोशनी भी चला गया था, बिल्कुल शरीर पीला हो गया था, तो हम भी आज ख़त्म कर दिए थे कि हमारी घरवाली नहीं बचेगी, अब हम लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि ये बच सकती है। तो हमारे खुदा ने हमें इस भवन में आए सियोन प्रेयर टावर में, इस जगह से हमारे घरवाली को जीवन प्रभु ने लौटा दिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस गवाही के लिए, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि इस बड़ी गवाही के द्वारा आप अपने जीवन में एक नई उम्मीद को अपने जीवन में हासिल करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो अद्भुत कामों को करने की सामर्थ्य रखता है, वो कुदरत के विपरीत कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया सब लोगों पर होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने सियोन टीवी को नहीं सब्सक्राइब किया तो जाकर सियोन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। जय मसीह।
सीओन टीवी चैनल देख रहे तमाम दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, एक और अद्भुत गवाही के साथ आपके सामने हैं और परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं उसके अद्भुत कामों